ये लाइव में हम लोग आज बनारस के बारे में पूछेंगे कि बनारस को लोग कितना जानते हैं, न्यू बनारस को लोग कितना जानते हैं। ठीक है, तो ये मेरी बिटिया रानी गौरी मैं, तो बनारस ये रामायण कल से आने वाला है, रामायण सीरीज कल से आने वाला है। हाँ, कल से रामायण सीरीज आने वाला है और 33 इयर्स बाद ही आएगा, तो कल से हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे कि बनारस को लोग कितना जानते हैं। अभी हाल ही में एक बनारस में एक प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, पूछते हैं लोग कितना जानते हैं उस प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, ODOP क्या है? ODOP राजकुमार सिंह जी जो जनवार्ता के संपादक हैं वो देख रहे हैं, सादर प्रणाम राजकुमार जी। तमाम और लोग जुड़ गए हैं। ODOP क्या है? ODOP क्या पूछा हमने? ODOP क्या है? बनारस में एक नई शुरुआत हुई थी पूरे प्रदेश के लिए, बनारस में ही शुरुआत हुई ODOP। देखिए कौन बताता है, 20 लोग अभी देख रहे हैं, पता नहीं देखो कोई बता पाता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग जो सवाल पूछेंगे बनारस का आज वो इसी ODOP से लिंक्ड है। ODOP कोई बता रहा है कि नहीं? अभी कोई नहीं बता रहा है, देख तो अभी काफी लोग रहे हैं लेकिन बता कोई नहीं रहा बेटा। ODOP आप जानती हैं? ODOP नहीं, तो ODOP कोई नहीं जानता, बाहर शौच से मुक्त ग्राम। नहीं रितेश जी ये सही नहीं है। हाँ दीपक यादव जी ने सही लिखा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट, ऐसा सरकार ने उत्तर प्रदेश में मोदी, विनय सिंह जी भी ज्वाइन कर लिए हैं, शिवांग शिखर सिंह जी भी ज्वाइन कर लिए हैं। तो दीपक यादव जी ने सही कहा, वैद्य राजकुमार परिहार जी भी सही कह रहे हैं, पूजा जायसवाल सही कह रही हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि बनारस के अंदर ODOP लागू करने के लिए किस शख्स को, बनारस के अंदर ODOP लागू करने के लिए किस शख्स को पिछले साल भारत सरकार ने पद्मश्री दिया था? पद्मश्री जानती हैं आप क्या होता है? एक प्राइज होता है जो गवर्नमेंट का ना हाईएस्ट प्राइज, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो रजत श्रीवास्तव जी कह रहे हैं आवाज़ कम आ रही है, अब शायद ज़्यादा आ जाएगी। बनारस के किस व्यक्ति को ODOP लागू करने के लिए पद्मश्री पिछले साल दिया गया था? पद्मश्री लास्ट ईयर। प्रोफेसर आरके शर्मा सर हमारे गुरुजी और मेडांटा के ग्रेट नेफ्रोलॉजिस्ट देश के, विनय सिंह जी ने सही कहा, डॉक्टर रजनीकांत जी को दिया गया। डॉक्टर रजनीकांत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इसी के ऊपर काम करते हैं, जो जैसे बनारस के लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लकड़ी के प्रोडक्ट्स, यू नो वुडन प्रोडक्ट्स बनारस के काफ़ी यूज़ होते हैं। तो विनय सिंह जी चूँकि बड़े बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं देश के, टाइम्स ऑफ इंडिया आपने इतने वर्षों देखा, आपने बिल्कुल सही कहा रजनीकांत। लेकिन मुझे बहुत ही ये दुख हो रहा है कि बनारस के 40 लोग देख रहे हैं, कई लोग लाइव में हैं, लेकिन किसी को डॉक्टर रजनीकांत का नाम नहीं पता, ये बहुत कष्ट की बात है। डॉक्टर रजनीकांत एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार पिछले 30 साल इसी ने इसी
इसी काम पर अपना जीवन में काम लगा दिया डॉक्टर रजनीकांत जी को बहुत बहुत हम सब लोगों का सादर प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बनारस से ही, आज हम लोग युवा बनारस के बारे में बात कर रहे हैं। बनारस एक ऐसी लेडी हैं जो वायु प्रदूषण पर काम करती हैं, जिन्होंने वायु प्रदूषण पर बहुत ज़्यादा काम किया है और उस लेडी का पूरे देश में वायु प्रदूषण में अगर किसी का नाम आता है तो बनारस, सोनभद्र, इस पूरे जगह में बहुत बड़ा नाम है। कौन सी वो लेडी है, उनका क्या नाम है? आप में से इतने लोग बनारस के हैं, प्रोफेसर विधि नागर जी भी देख रही हैं, हमारे डॉक्टर उत्तम ओझा जी जो बहुत ही सीनियर सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी देख रहे हैं। विच लेडी फ्रॉम बनारस हैव वर्ड फॉर एयर पोल्यूशन? फिर सही कहा आपने, विनय सिंह जी ने बोला एकता शेखर। एकता शेखर मैडम बनारस की वो शख्सियत हैं जो एयर पोल्यूशन पर काम करती हैं। हम सबको ये पता होना चाहिए एकता शेखर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका सोनभद्र के इलाके में, और इन जगहों पर जहाँ पत्थर की कटिंग होती है वहाँ इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो एकता शेखर जी का बहुत बड़ा नाम है और ग्रीन ग्रुप और रजत श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं। तो लेकिन हमको दुख है, देखिए डॉक्टर रजनीकांत को भी आप लोग कम बता पाए, विनय सिंह जी ने ही सही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, सबसे पूछते हैं आप सबसे, आज युवा यूथ न्यू थिंग्स इन बनारस के बारे में बात हो रही है, तो कौन सा ऐसा यहाँ बनारस से एक ऐसी शख्सियत है जिसका पिछले 5 वर्षों में दिव्यांग लोगों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है शहर में, दिव्यांग बोर्ड के वो मेंबर भी हैं और दिव्यांगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ शहर में किया है, पूरे प्रदेश में वो करते हैं लेकिन बनारस के लिए उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, दिव्यांग। बिल्कुल सही, एक उत्तर सही आया है, सर्वेश त्रिपाठी, डॉक्टर उत्तम ओझा। बिल्कुल सही कहे, डॉक्टर उत्तम ओझा का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है दिव्यांगों के लिए, एक नई सोच है और एक नया शुरुआत है। डॉक्टर उत्तम ओझा बिल्कुल सही कहे, बनारस के बारे में आप कितना जानते हैं, न्यू बनारस को उसको एक हम लोग सबकी आज जानें, एक दूसरे से समझें, क्योंकि कोरोना तो दिन भर हम लोग कर ही रहे हैं, कोरोना पर हमने कहा भी था सबको सावधान हो जाना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग कोरोना की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे केवल और केवल आज न्यू बनारस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस में एक ऐसे शख्स हैं जिनको फर्स्ट डिजिटल फोटोग्राफर और डिजिटल कंपोज़र के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट डिजिटल कंपोज़र एंड फोटोग्राफर, बहुत लीडिंग नेम है बनारस का, बनारस के ऊपर उन्होंने बहुत किताब लिखी हुई हैं, शायद उनसे पहले कोई डिजिटल फोटोग्राफी में इतना न्यू चेंजेस किसी ने नहीं किया। सही कहे विकास दुबे जी ने, बिल्कुल सही बताया मनीष खत्री, विनय सिंह जी ने सही कहा मनीष खत्री, मनीष खत्री जी का नाम बहुत है, बहुत ही अच्छा और बड़ा नाम है मनीष खत्री जी का। बिल्कुल सही कहे महेश उपाध्याय जी ने कि मनीष खत्री हैं वो व्यक्ति जिन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा एक नया शुरुआत
जिन्होंने किया कि पवन सिंह बिल्कुल सही कहे, मनीष खत्री। मनीष खत्री एक वो इंसान है जिन्होंने अपने पूरा जीवन, रजत श्रीवास्तव, संतोष जायसवाल, सब ने मनीष खत्री जी का नाम बताया। बहुत अच्छा। ये न्यू बनारस है, देखिए न्यू बनारस, नए बनारस में एक नई सोच जिन्होंने ये पूरा पैदा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नए बनारस में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जिन्होंने पूरे दुनिया में बनारस का नाम एमेच्योर एथलेटिक्स में रोशन किया। एमेच्योर एथलेटिक्स में बनारस का नाम रोशन किया। बहुत अच्छी धाविका है एमेच्योर एथलेटिक्स, मतलब सीनियर एथलेटिक प्लेयर हैं बनारस से। देखिए आप लोग बता पाते हैं, बिल्कुल काफ़ी लोग सही बता रहे हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी, महेश उपाध्याय जी ने सबसे पहले बताया, राजीव मोहन शर्मा जी ने बताया, आसिफ आलम जी ने बताया, कैलाश भट्टट जी हैदराबाद से बता रहे हैं, राकेश प्रसाद जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। इनका नाम है हम लोग की बनारस की एक शान नीलू मिश्रा जी, जो बहुत ही अच्छी एथलेटिक्स हैं और बहुत गोल्ड मेडल्स इन्होंने जीते हैं। बनारस का एक नया नाम इन्होंने दिया है। आप सब लोगों को शायद पता ही होगा, लेकिन मैं आपसे एक और अगला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आज हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे, तो सेवेंथ क्वेश्चन। बनारस में एक कलाकारों का ग्रुप है जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ और बनारस के तमाम चित्र कलाकार जो पेंटिंग्स बनाते हैं, उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया है जो पूरे बनारस में, पूरे प्रदेश में, देश में जिनका बहुत बड़ा नाम है, उस ग्रुप का, उस चित्र कलाकारों को ग्रुप का नाम क्या है? बहुत बड़ा नाम है, बहुत फेमस नाम है। उस ग्रुप का क्या नाम है? बनारस का बहुत फेमस ग्रुप है जिसमें देश के नामी गिरामी प्रोफेसर्स भी मेंबर्स हैं, और उस ग्रुप का क्या नाम है? उस ग्रुप का क्या नाम है आपसे सुनना चाहता हूँ, आप सब लोगों से। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अभी तक आप लोग नहीं बता पाए। चित्रांकन तो हमारे बहुत ही सीनियर, बहुत सीनियर पर्सनालिटीज़, मतलब पर्सन रहे चित्रांकन जी यहाँ भदनी में। एक ग्रुप जो नाम मैं पूछना चाहता था, उस ग्रुप का नाम नहीं, किसी को नहीं पता, नहीं, उसका नाम है आनंद वन। आनंद वन एक ग्रुप है जिसको देश के तमाम सीनियर चित्रकारों ने बनाया है, और उस ग्रुप को पूरे देश और बनारस की एक बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन है आनंद वन। अब चित्रकला से एक और प्रश्न, ये न्यू बनारस जो है कंसेप्ट, इस बनारस में एक और प्रश्न आप सबसे पूछ रहा हूँ कि ऐसे कौन महान चित्रकार हैं बनारस से, युवा चित्रकार ही हैं, जिनको पिछले वर्ष का ललित कला एकेडमी अवार्ड मिला था? ललित कला एकेडमी, ललित कला एकेडमी अवार्ड।
ललित कला एकेडमी अवार्ड काफ़ी हाईएस्ट रेटेड अवार्ड है इंडिया में, और वो किसको मिला था, किस चित्रकार को? हमें लगता है चित्रकारों के बारे में अभी बनारस में जानकारी बहुत कम है, ये दुखद बात है, क्योंकि चित्रकार ही वो इंसान है जो सबकी बातें, कैलाश भट्टर जी कह रहे हैं, वेद प्रकाश मिश्रा सर, प्रणाम सिंह साहब, नहीं पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, युवा चित्रकार पिछले वर्ष जिनको मिला था वो नहीं बता पा रहे, तो आप लोग शायद खोज के रखिएगा या बाद में बताइएगा, याद आएगा तो, लेकिन आप नहीं बता पाए, मुझे बड़ा दुख हुआ। नेक्स्ट, बनारस के एक परिवार को महाराज ट्रायो कहते हैं, जो विश्व में अपने सरोद, तबला और इंस्ट्रूमेंट एंड तबला के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं, महाराज ट्रायो। महाराज ट्रायो अभी न्यूजीलैंड में ही बहुत बढ़िया उन्होंने कार्यक्रम दिया। अभी हाल ही में लौटे हैं न्यूजीलैंड से, काफी बढ़िया उन्होंने कार्यक्रम दिया। विजय श्रीवास्तव जी सही कह रहे हैं, प्रभाष महाराज जी और नहीं, संतोष मुंडनवाल जी कह रहे हैं पंडित राजन साजन जी, नहीं राजन साजन जी गाने में हैं, तो चूंकि अगला क्वेश्चन हम लोग का गाने से ही है, राजन साजन जी के बारे में हम क्वेश्चन पूछेंगे। अभी बहुत अच्छा आंसर दिया प्रभाष महाराज, और दो महाराज महाराज ट्रायो कहते हैं, अभी न्यूजीलैंड में ही करके लोग आए। विकास जी महाराज बिल्कुल सही, विकास महाराज, विनय सिंह जी ने सही कहा, विकास महाराज बिल्कुल सही कहे, विकास महाराज, प्रभाष महाराज और उनके तबला प्लेयर जो बेटे हैं। रितेश मिश्रा और रजनीश मिश्रा, ये बनारस में गायन के दो बड़े नाम हैं, रितेश और रजनीश। रितेश मिश्रा जी, रजनीश मिश्रा जी, ये दोनों लोग किसके बेटे हैं? ये दोनों लोग किस महान कलाकार के बेटे हैं, और ये लोग बड़े नामी, बहुत नामी कलाकार हैं, रितेश मिश्र, रजनीश मिश्र। आज हम लोग न्यू बनारस के बारे में बात कर रहे हैं, और एवरीथिंग न्यू, लेकिन बनारस के काफी लोग वॉच कर रहे हैं लेकिन सही नहीं बता रहे हैं, ये लोग किसके बेटे हैं, इनके पिताजी का नाम क्या है, रितेश मिश्रा और रजनीश मिश्रा। शरद शुक्ला जी कह रहे हैं राजन साजन मिश्रा, नहीं एक किसी के बेटे हैं, राजन जी के बेटे हैं कि साजन जी के? कैलाश भट्टर जी सही कह रहे हैं, ये राजन जी के बेटे हैं। विनय सिंह जी कह रहे हैं राजन साजन, नहीं 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 मंजुला चतुर्वेदी चौधरी कह रही हैं राजन साजन मिश्र, नहीं 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 नहीं, ये पंडित राजन मिश्र जी के बेटे हैं, और मुझे दुख है कि सारे लोग राजन साजन मिश्रा लिख दे रहे हैं, ये राजन मिश्र जी के बेटे हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जो देखूं कितना लोगों को पता है, क्या आपको
ओदार गांव, ओदार गांव बनारस के गांव है ओदार। क्या आपको पता है कि इस ओदार गांव से बॉलीवुड का क्या कनेक्शन है? ओदार गांव का। अमन कुमार जी बिल्कुल ठीक है, राजन मिश्रा जी, रज श्रीवास्तव बिल्कुल ठीक है, रंजना जी, ओदार गांव का बॉलीवुड से क्या रिश्ता है? बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। मैं जानना चाहता हूँ बनारस के लोग अपने सितारों को जानते कि नहीं, अपने युवा सितारों को, जो यूथ बनारस को रिप्रेजेंट करता है, क्या उसको वो जानते हैं? ओदार, ओदार गांव, ओदार गांव बाबतपुर के बगल में एक गांव है, जहां ऊपर लिखा हुआ है बड़े बड़ा कि ये किसका गांव है। बिल्कुल ठीक है, अभिषेक दुबे जी ने बिल्कुल ठीक कहा, समीर जी का गांव है ओदार। महेश उपाध्याय जी सही कह रहे हैं, समीर जी गांव है ओदार। ओदार गांव बाबतपुर के बगल में है, और अगर कभी आप ओदार गांव जाइए तो वहाँ ऊपर लिखा हुआ है खैके पान बनारस वाला के मशहूर गीतकार अनजान के गांव ओदार में आपका स्वागत है। अनजान के ही बेटे हैं समीर, और समीर सबको पता है कि देश के जाने माने लिरिसिस्ट हैं। तो समीर, अजितेश सिंह जी भी कह रहे हैं समीर, विजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं पिंडरा ब्लॉक में, बिल्कुल ठीक है। अमित राय जी भी बता रहे हैं अनजान जी का गांव। हमारे घाट वॉकर, बहुत सीनियर घाट वॉकर और डेली वर्ल्ड के उत्तर प्रदेश के चीफ हरेंद्र शुक्ला जी भी ज्वाइन कर लिए हैं। हरेंद्र जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है इस क्विज में, नए बनारस के क्विज में। 11वां प्रश्न आज का है, अभी आज 10 प्रश्न और बाकी हैं, तो 11वां प्रश्न सुनिए। बनारस के एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसका पूरे दुनिया में तीन चीजों में एक साथ नाम है। वो BHU के प्रोफेसर हैं, वो एक मंदिर के महंत हैं, और वो पखावज वादन करते हैं। हमारे एक और दूसरे घाट वॉकर शैलेश तिवारी जी भी ज्वाइन कर लिया है, और जगन्नाथ मंदिर से आशीष पांडे ने ज्वाइन कर लिया है। बिल्कुल सही कहे महेश उपाध्याय जी ने, बिल्कुल सही कहे कि हमारे बड़े भाई प्रोफेसर विशंभरनाथ मिश्रा जी। सदन यादव जी कह रहे हैं पंडित बटुकनाथ शास्त्री जी, नहीं नहीं वो BHU प्रोफेसर कहाँ हैं। अभिषेक दुबे बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रोफेसर विशंभरनाथ मिश्रा जी एक अकेले ऐसे प्रोफेसर हैं जो संकट मोचन मंदिर के महान जी हैं और पखावज के एक महान प्लेयर हैं। बिल्कुल सही कहे वैद्य आनंद पांडे जी, अजितेश सिंह जी बिल्कुल सही कहा, अमन कुमार जी बिल्कुल सही कहे, मनोहर सिंह जी बिल्कुल सही कहा, विशंभर जी बिल्कुल सही कहे, विशंभरनाथ जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहे, बहुत सही। पवन कुमार पांडे जी कह रहे हैं, पवन जी हमारे गोपाल जी के पुत्र हैं। शरद शुक्ला जी भी सही कह रहे हैं। इंसार अहमद खान साहब दुबई से जुड़ गए हैं, आपके पिताजी नहीं, मेरे पिताजी पखावज नहीं बजाते थे, वो हमारे बड़े भाई साहब जो महन जी हैं। आशु पांडे सही कह रहे हैं, और अमन कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रदीप तिवारी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बिल्कुल, अमर ठाकुर जी सही कह रहे हैं। अब अगले 8 क्वेश्चन में मैं बनारस के ऐसे लोगों के बारे में पूछूंगा जिनको आप जानते तो हैं
लेकिन वो क्या करते हैं ये आप पता नहीं बता पाएंगे कि नहीं। बनारस में जो एक चौराहे पर बैल की मूर्ति आपने देखी होगी, नंदी जी की मूर्ति देखी होगी, नंदी जी की मूर्ति एक चौराहे पर है। अवधेश पांडे कल्लू जी महाराज जी भी आ गए हैं, बहुत अच्छा, सादर प्रणाम डॉक्टर साहब, आपके सादर प्रणाम। शीतला मंदिर के महंत जी अवधेश पांडे जी कल्लू जी आ गए हैं। तो गुरुधाम चौराहे पर जो नंदी जी बने हैं वो बनारस के एक युवा कलाकार मूर्तिकार ने बनाई है, क्या आप उस मूर्तिकार का नाम बता सकते हैं? बनारस के एक युवा मूर्तिकार, जो गुरुधाम चौराहे पर एक लिविंग, जैसे एकदम जिंदा नंदी जी बैठे हुए हैं, उस मूर्तिकार का नाम बताइए गुरुधाम चौराहे पर। मैं गदौलिया चौराहे वाले नंदी जी की नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ गुरुधाम चौराहे पर गोविंद कुमार गौर जी कह रहे हैं मनोज गौड़ जी, नहीं मनोज गौड़ जी ने उन्होंने नहीं बनाया है, जो गुरुधाम चौराहे पर नंदी जी की मूर्ति लगी है, पवन पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा, वो हैं राजेश जी, राजेश कुमार जी, युवा मूर्तिकार जिन्होंने ऐतिहासिक पंचरत्न की मूर्ति बनारस को बना के भेंट की। पंचरत्न मूर्ति में भारत के पांचों भारत रत्न हैं, पांच भारत रत्न की एक साथ मूर्ति कहीं अगर मिलेगी आपको बनी हुई तो चिकित्सा विज्ञान संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में, वहीं राजेश कुमार जी की महान कृति रखी हुई है। नंदी जी को उन्होंने ही बनाया, राजेश कुमार जी ने। अब एक ऐसे शख्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जिनका नाम बहुत है लेकिन उनके कामों को लोग जानते हैं, उनसे लोग नहीं मिले हैं। तो बनारस में एक ऐसा शख्स है जो आजीवन अपना पूरा जीवन ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने में लगा दिया। उस महान शख्स का नाम मैं जानना चाहता हूँ, हमारे बड़े भैया भी वॉच कर रहे हैं, आदरणीय महन जी। आज हम लोग केवल बनारस के नए लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो इससे बनारस की पहचान है। महेश उपाध्याय जी, आप बहुत बनारस को जानते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप आंसर फटाफट देते हैं। बिल्कुल सही कहा केशरी नंदन तिवारी, पंकज जी ने भी सही कहा। चेतन जी, पूरा नाम बताइए उनका, पंडित आशीष पांडे जी सही करें, चेतन जी, चेतन उपाध्याय। चेतन उपाध्याय एक ऐसा नाम है जो बनारस के अंदर पूरे देश में जिन्होंने ये डंका बजाया उनका नाम है चेतन उपाध्याय जी। बहुत अच्छी लगा, बहुत बढ़िया बात आपने बताई चेतन उपाध्याय जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। चेतन उपाध्याय जी का बहुत बड़ा नाम है और महेश उपाध्याय जी को बहुत पता है, ये बहुत अच्छा लगा। बनारस के अंदर पवन पांडे जी बिल्कुल सही कहना, चेतन उपाध्याय जी, बनारस के अंदर पूर्णेंदु त्रिपाठी बिल्कुल सही कहे, विवेक मिश्रा वरदान जी ने सही कहा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बनारस के अंदर बिजनेस सिंह जी भी सही कह रहे हैं, चेतन उपाध्याय जी हमारे साले साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं ज्योति मिश्रा जी, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। बनारस के अंदर जो एक नई चेतना लोगों में आई है, उस नई चेतना का एक नया सूत्रधार
जो सुबह बनारस जो कहा जाता है, सुबह बनारस में एक ऐसे इंसान हैं जिनके नाम से अनाउंसमेंट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी भी आयोजन के अनाउंसमेंट का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। उनका नाम बताइए। राका जी सही कह रहे, प्रणाम सर, बिल्कुल सादर प्रणाम। हम लोग बनारस के बारे में, नए बनारस के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहे विकास दुबे जी ने, बिल्कुल ठीक कहा। प्रीतेश आचार्य, प्रीतेश प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य जी के छोटे बेटे हैं, और प्रीतेश या हम लोग उनको कहते हैं राजुल, राजुल के नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड है आचार्य प्रीतेश जी के नाम से। उन्होंने शायद 3000 या कितने से ज़्यादा का पूरे दिन भर, मतलब कई इतने लंबा अनाउंसमेंट लगातार करने का प्रीतेश का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड है। प्रीतेश को बहुत बहुत बधाई। आप लोग प्रीतेश को इतना जानते हैं, ये जानकारी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब चार सवाल ऐसे लोगों के लिए जिनको हम सुनते हैं लेकिन देखें उनके बारे में जानते हैं कि नहीं। बनारस में, बिल्कुल ठीक है, तो बनारस में एक पद्मश्री, स्पोर्ट्स फिल्म में भी पद्मश्री जिनको पिछले साल मिला, उनका क्या नाम है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, बनारस के एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जिनको पद्मश्री मिला, बनारस से हीरालाल यादव जी उनको मिला था, लेकिन वो लोक गायन के लिए मिला था स्वर्गीय हीरालाल यादव जी को। और हम लोग के बड़े हीरालाल यादव जी, बिल्कुल शैलेश तिवारी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, पद्मश्री प्रशस्ति सिंह जी को, सिंह सिस्टर, दैट्स ट्रू, विनय सिंह जी ने सही कहा, सिंह सिस्टर, बट इट वेंट टू प्रशस्ति सिंह जी। कैलाश भट्टर जी भी सही कह रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कैलाश भट्टर जी ने। आप में से काफ़ी लोग सही आपने जवाब दिया। जो लोग नए बनारस को, अजितेश सिंह जी बिल्कुल सही कहा आपने, शी इज़ वन ऑफ दी सिंह सिस्टर्स, दैट्स ट्रू, प्रशांति सिंह जी। नए बनारस के दो और क्वेश्चन। बनारस के एक ऐसे डीएम का नाम बताइए जो हाल तक में बनारस के डीएम थे, आजकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव हैं। बनारस के कैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम बताइए। बिल्कुल सही कहा प्रशांति सिंह जी। बनारस के एक ऐसे डीएम का नाम बताइए वर्तमान में जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं, वर्तमान में। काफ़ी लोग प्रांजल यादव जी का नाम ले रहे हैं, प्रांजल जी जरूर यहाँ थे पहले, और वो अखिलेश यादव जी के गवर्नमेंट में उनके सचिव रहे। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में अमित कुमार राय जी ने बिल्कुल सही कहा, सुरेंद्र सिंह जी यहाँ डीएम थे, बिल्कुल सही कहा आप। अभिषेक जी ने
अमित राय जी ने बिल्कुल सही कहा, सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी यहाँ डीएम थे। अजय सिंह जी कह रहे हैं अवनीश अवस्थी जी। अवनीश जी तो इस समय वो चीफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। सुरेंद्र सिंह जी सही आंसर है। पूर्णेंदु त्रिपाठी जी ने सही आंसर दिया और अमित कुमार राय जी ने सही आंसर दिया। सुरेंद्र सिंह जी, गोविंद केशरी जी ने सही आंसर दिया। सुरेंद्र सिंह जी कैसे यहाँ के डीएम रहे, जो यहाँ से सुरेंद्र सिंह जी ने बिल्कुल, विनय सिंह जी ने सही कहा, आशीष चौबे जी ने सही कहा, उनको चोट लग गई थी बाढ़ पीड़ित में कार्यक्रम में। फिर सुरेंद्र सिंह जी यहाँ से थोड़े दिन छुट्टी थे, उसके बाद से उनको, उन्होंने विशेष सचिव मुख्यमंत्री के रूप में अभी वो हैं। सुरेंद्र जी बनारस में बड़े फेमस रहे, उन्होंने बनारस में बहुत काम किया। बीएचयू में भी हम लोग साथ बहुत काम किया। अमन जी सही कह रहे हैं, विवेक जायसवाल जी सही कह रहे हैं, डॉक्टर सुधीर त्रिपाठी जी सही कह रहे हैं। अब बनारस में दिनेश कुमार वर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सुरेंद्र सिंह जी। बनारस में टू लास्ट क्वेश्चन, बनारस में एक ऐसे इंसान हैं जो केवल और केवल जिनका फोकस तमाम उद्यमियों को, मतलब नए उद्यमियों को बढ़ाने में लगा रहता है और बहुत ही जीवन पर्यंत लोगों की सहायता करते रहे हैं, अभी भी वो कर रहे हैं। बीएचयू इनक्यूबेशन सेंटर के चीफ, जिनके अंडर हमको लगता है 20 से ज़्यादा कंपनीज़ इनक्यूबेट कर रही हैं और सारे इनक्यूबेशन के कारण वो कंपनीज़ नए नए बच्चे नया नया कंपनीज़ खोलते हैं, उस सेंटर के चीफ का नाम क्या है? इनक्यूबेशन सेंटर, काफ़ी लोग जुड़े हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि इनक्यूबेशन सेंटर एक ऐसा सेंटर है बीएचयू में जो नए बच्चों को प्रमोट करता है। वो अपने यहाँ नए बच्चों को, बिल्कुल सही कहे, पूर्णेंदु कुमार त्रिपाठी जी ने सही बताया, प्रोफेसर पीके मिश्रा जी, प्रदीप मिश्रा, प्रोफेसर पीके मिश्रा। पीके मिश्रा सर, आशीष चौबे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीके मिश्रा सर का बड़ा योगदान है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, लोगों को इनक्यूबेशन सेंटर में इनक्यूबेट कराते हैं। विनय सिंह जी बिल्कुल सही कह, प्रोफेसर प्रदीप कुमार, बलवंत राणा झा, प्रदीप मिश्रा जी, और बिल्कुल सही कहे प्रदीप मिश्रा जी, बिल्कुल सही कहे प्रोफेसर पी के मिश्रा। विजय श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं, शायद प्रदीप मिश्रा जी, बिल्कुल सही, प्रदीप मिश्रा, पी के मिश्रा, बिल्कुल सही कह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक शख्स बनारस में ऐसा है जो सिगरेट स्मोकिंग, धूम्रपान के अगेंस्ट, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में, शायद 5 वर्षों में बहुत काम किया है, स्मोकिंग को बंद करने में, धूम्रपान को बंद कराने में, खास करके गंगा के घाटों पर
पूरे बनारस के जो 84 घाट हैं, इस पर बहुत लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनके अगेंस्ट बहुत काम एक व्यक्ति ने किया, उनकी फाउंडेशन अभी भी करती है, उनका नाम क्या है? आशीष पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा, सुमित सिंह। सुमित सिंह एक यंग बच्चे, मतलब उन्होंने एक छोटे से एज में एक बहुत बढ़िया काम शुरू किया। अमित कुमार राय सही कह रहे हैं, सुमित सिंह बहुत अच्छा काम करते हैं। और सुमित सिंह जी का काशियाना फाउंडेशन बहुत ही एक्टिव फाउंडेशन है, बहुत अच्छा काम करते हैं सुमित सिंह। बिल्कुल बिल्कुल सुमित सिंह, काशियाना फाउंडेशन। विशाल केशरी जी भी सही कह रहे हैं, सुमित कुमार। विनय सिंह जी भी सही कह रहे हैं, सुमित कुमार। अभिषेक दुबे जी भी सही कहा, सुमित कुमार। बिल्कुल अमन कुमार जी भी सही कह रहे हैं, सुमित सिंह जी। सुमित जी को अजितेश जी ने सही कहा, सुमित सिंह अभी हाल ही में पढ़ा था उनके बारे में, बिल्कुल सही कहा। सुमित बहुत मेहनती लड़के हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो बनारस को आज हम लोगों ने ये जाना कि नए बनारस, यूथ, यंग बनारस को किस नामों से जाना जाता है। कोरोना से तो हम लोग दिन भर बात करते हैं, लेकिन हम लोग हर शाम को मिलेंगे और ये बातें करेंगे कि बनारस को हम कितना जानते हैं। बनारस के रंगमंच, मतलब लोक नृत्य, लोक कला, नाट्य, रंगमंच के बारे में कल हम लोग बात करेंगे कि बनारस के रंगमंच के बारे में लोगों को कितना पता है, क्योंकि रंगमंच एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज के दिन हमको लगता है कि बहुत लोगों ने बहुत आंसर दिया, लेकिन बहुत अच्छा आंसर फटाफट देने वालों में से सीनियर जर्नलिस्ट विनय सिंह जी रहे, और एक वो जो कुमार साहब थे, क्या नाम उनका, तो दो तीनों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, और हिमांशु गुप्ता जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो सबको सादर प्रणाम। कोरोना से हम लोग सब घर पर हैं, कोरोना से बचने के लिए सारे जतन करनी चाहिए। आज ही उन्होंने कहा कि अपने आप को बचाइए, देश को बचाइए, और जितना हो सके सोशली आइसोलेट रहिए। कल हम लोग बनारस के नाट्य कला, रंगमंच, लोक कला के बारे में और भोजपुरी फिल्मों के बारे में बात करेंगे कि बनारस से कितना लोगों ने कितना कुछ दिया, और सारे लोगों को सादर प्रणाम। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। विनय सिंह जी कह रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट, यू वांट सम मोर आंसर सर, मोर क्वेश्चन। सो विनय सिंह जी कह रहे हैं एक क्वेश्चन और, तो लीजिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जाने माने वायरोलॉजिस्ट का नाम बताइए। ये जो वायरल फीवर अभी फैला हुआ है, तो जाने माने वायरोलॉजिस्ट देश में, जिनका काफ़ी बड़ा किताब है वायरल फीवर पर, जिनका बहुत बड़ा किताब है, हाल ही में उन्होंने उपराष्ट्रपति जी को भी भेंट किया, और अभी भी जब से कोरोना वायरस आया हुआ है काफ़ी उनकी किताब की चर्चा हो रही है। देश के जाने माने वायरोलॉजिस्ट
जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, उनका नाम क्या है? विनय जी अभी कहाँ शुभ रात्रि कर रहे हैं, अभी ये लास्ट आंसर दे के जाइए। महेश उपाध्याय जी कह रहे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल जी, नहीं प्रोफेसर एस एस अग्रवाल का काला आजार पर काम है। अजितेश सिंह जी कह रहे हैं प्रोफेसर गोपालनाथ, प्रोफेसर गोपालनाथ सर तो वायरोलॉजी सेंटर के चीफ है ही हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन किया कि जिनका वायरोलॉजी पर पूरा एक बुक है और यहाँ के सीनियर प्रोफेसर हैं। एक एक गुलाटी साहब तो रिटायर कर गए, अभी तो वो नहीं है। आशीष पांडे कह रहे हैं गोपालनाथ जी देश के जाने माने वायरोलॉजिस्ट, जिनका एक किताब बायोटेररिज्म पर। वायरोलॉजिस्ट किताब जो बायोटेररिज्म पर उन्होंने लिखा और वो उपराष्ट्रपति जी को भी उन्होंने भेंट किया, उनका नाम है प्रोफेसर सुमित सिंह। प्रोफेसर सुमित सिंह यहाँ के एक सीनियर साइंटिस्ट वायरोलॉजिस्ट हैं और वो बायोटेररिज्म पर उन्होंने किताब लिखी है। विमर्श शुक्ला जी ज्वाइन कर लिए हैं, विमर्श जी प्रणाम। आज का क्विज हम लोग ऑलरेडी ओवर हो गया विमर्श जी, कल आप ही के सब्जेक्ट का क्विज हम लोग करेंगे बनारस को जानने के लिए, रंगमंच के सारे कलाकार जो क्वेश्चंस रहेंगे। तो प्रोफेसर सुमित सिंह का किताब भी है बायोटेररिज्म पर। प्रोफेसर गोपालनाथ सर जो मेरे टीचर हैं और वो वायरोलॉजी लैब के डायरेक्टर भी हैं, जो अभी नेशनल वायरोलॉजी लैब यहाँ खुला है। और प्रोफेसर सुमित सिंह वन ऑफ द सीनियर वायरोलॉजिस्ट ऑफ कंट्री। तो आप सबको सादर नमस्कार, शुभ रात्रि, नमस्ते।